अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। रूस यूक्रेन जंग अपडेट्स। रूस ने कीव के बाहर बना यूक्रेन का मिलिट्री बेस तबाह किया। कहा जंग लंबी खिंची तो एटमी हमला भी करेंगे। यूक्रेन जंग को 51 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के सभी इलाकों में एक साथ फिजाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक राजधानी कीव में ब्लास्ट की जानकारी मिली है। यहां एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। अपने इतिहास का सबसे बड़ा माली बोहरान झेल रहे श्रीलंका ने एक दिन पहले यानी 14 अप्रैल को नया साल मनाया। हर साल सिंहली नया साल के मौके पर श्रीलंका की सड़कों पर जश्न और खुशी के नजारे देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार सूरत बदली हुई है। दिन रात लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सदर गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को इब्तदा से बाहर करने का मुतालबा उठ रहा है। सड़कों पर ही टेंट लगे हैं, हाथों में झंडे और पोस्टर लिए लगातार आवाम का एहतजाज जारी है। कोटा में जुम्मेरात को देर रात हिट एंड रन का तकलीफ देह मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक खानदान के 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में दिनेश 45 साल की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए। दिनेश सब्जी का ठेला लगाता था। वाकयात से नाराज लोगों ने जुम्मे की सुबह नयापुरा थाने के बाहर एहतजाज करने पहुंच गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिदा किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे कौम के नाम मनून किया। उन्होंने कहा कि जलजले से मुतासिर भुज के लोग अब कच्छ से पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ एक नई किस्मत लिख रहे हैं। इस हॉस्पिटल में लोगों को सस्ती और क्वालिटी थेरेपी जैसे सहूलियात फराहम कराए जाएंगे। अस्पताल का तामीराती श्री कच्ची लेवा पटेल समाज भुज की तरफ से किया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते केस एक बार फिर दिल्ली को डराने लगे हैं। स्कूलों में स्टूडेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं। जुम्मेरात को एक प्राइवेट स्कूल की टीचर और स्टूडेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को अगली नोटिस तक छुट्टी दे दी गई। वहीं केजरीवाल सरकार बढ़ते मामले को लेकर जुम्मे को नई गाइडलाइन जारी करेगी। महाराष्ट्र में नक्सलियों ने जासूसी के शक में 2 गांव वालों की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस जुर्म को अंजाम देने के बाद एक नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और वाकयात में शामिल मलूस नक्सलियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। गढ़चिरौली के SP अंकित गोयल ने बताया कि नक्सलियों ने गढ़चिरौली जिले में 2 गांव वालों को गांव के बाहर ले जाकर गोली मार दी। दोनों को गोरकुटक और झारियावाड़ इलाके से उठाया गया था। हरियाणा सरकार बोर्ड की पढ़ाई कर रहे तुलबा को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। तोहफे में जमात 10वीं और 12वीं के तुलबा को अगले महीने यानी मई में टैबलेट देगी। रियासत के वजीर तालीम कंवर पॉल ने इसकी जानकारी दी। वजीर ने कहा कि जो टैबलेट तुलबा को दिया जाएगा वह पहले से कंटेंट के साथ पर्सनलाइज्ड और एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर से लैस हो गए। इतना ही नहीं, तुलबा को टैबलेट चलाने के लिए सरकार फ्री इंटरनेट डेटा भी फरहाम करेगी। CBSE ने टर्म 2 इम्तिहान के लिए प्राइवेट स्कूलों से तालीम हासिल कर रहे तुलबा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। CBSE ने प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाई कर रहे क्लास 10th और 12th के तुलबा के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। एडमिट कार्ड CBSE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया है। प्राइवेट स्कूल के CBSE बोर्ड की टर्म 2 इम्तिहान देने वाले तुलबा अपना एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन नंबर, नाम और पिछले साल का रोल नंबर दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 949 नए COVID-19 के केस दर्ज किए गए हैं, जो कि कल के मुकाबले 5.7% कम है। सरकार की तरफ से जारी किए गए ताज़ा डेटा के हिसाब से गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 810 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 11,191 रह गए हैं। भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 दिनों के लिए तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर हल्की से दरमियान
बारिश की पेशगोई की है। ए श्रावणी साइंटिस्ट सी इंचार्ज आईएमडी हैदराबाद को एतला किया। हफ्ते को शहर में होने वाले श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस के मद्देनजर जुलूस रास्तों के मुख्तलिफ मकामात में ट्रैफिक के कुछ पाबंदियां होगी। मरकजी जुलूस गौलीगुड़ा राम मंदिर से सुबह 11:30 बजे ताड़बंद में हनुमान मंदिर की ओर निकलेगा। जुलूस 12 किलोमीटर का फासला तय करेगा और लगभग 8 बजे खत्म होने की उम्मीद है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बंध गए। कपल ने 14 अप्रैल को रणबीर कपूर के पाली हिल में मौजूद वास्तु अपार्टमेंट में एक इंटीमेट वेडिंग की। इस शादी में कपूर और भट्ट खानदान के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। इस शादी में फेरों को लेकर अब आलिया के भाई राहुल भट्ट ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पंडित जी के सामने रणबीर और आलिया ने शादी में 4 फेरे लिए हैं। इलॉन मस्क ने खरीदा तो बदलेगा ट्विटर। यूजर्स बिना रोक टोक के ट्वीट कर पाएंगे। ट्वीट पर किसी तरह का एक्शन या छेड़छाड़ होने का पता चलेगा। आईपीएल 2022 के 24वें मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल के सामने मैच जीतने के लिए 193 का टारगेट था, लेकिन टीम 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। गुजरात के लिए लॉकी फर्गसन और यश दयाल ने 3-3 विकेट लिए। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।